हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो इसके बहुत सारे फायदा ले सकते हैं। आप सक्सेस हो सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, आप जो चाहें अपने लाइफ में वो पा सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा बुक पर हम बात करने वाले हैं जो आपको ग्रीट करना सिखाती है। अगर आप ग्रीट का इम्पोर्टेंस नहीं जानते तो ये बुक आपको लास्ट तक देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में ग्रीट है तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, आप जिसको चाहें उसको आप कन्वेंस कर सकते हैं, आप नेगोशिएशन पावर आपके अंदर आ सकती है और जो कुछ भी आपने लक्ष्य बनाया है अपने लाइफ में बनने का वो आप बन सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 ऐसा इम्पोर्टेंस है, 4 ऐसा प्रिंसिपल है जो इस बुक से हम लोग सीखेंगे। एक एक स्टेप में हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि वो 4 स्टेप्स क्या हैं और उसको हम लोग अपने रियल जिंदगी में कैसे उतारें और उससे हम लोग फायदा कैसे ले सकें। दोस्तों, इस बुक के जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अगर आपको ग्रिट अपने लाइफ में करना आ गया, अगर ये 4 प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में उतारते हैं और इसको यूज करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, इस बुक का नाम है ग्रीट एंड इस बुक के लेखक हैं एंजेला डकवर्थ। एंजेला बताती हैं कि हम लोग अपने लाइफ में रेगुलर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं कि हम टैलेंटेड होने के बावजूद भी कभी सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, आपके साथ स्टडी करते हैं, स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा उनका ग्रेड आता है, लेकिन वो रियल लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाए। रियल लाइफ में वो बहुत अच्छा सक्सेस नहीं हो पाए, अमीर नहीं बन पाए या जो चाहते थे वो लाइफ में वो नहीं बन पाए। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है कि उनको अपना लाइफ में ग्रिट करना नहीं आया, उनको ग्रिट नहीं पता है और ग्रिट उनके लाइफ में नहीं है। दोस्तों, टैलेंट होने के बावजूद भी एक चीज़ और आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, और वो है ग्रिट। दोस्तों, कुछ भी आप कर लीजिए उसमें आपको फेल होना ही पड़ेगा। जब आप चलते हैं तो आपको गिरना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपके पास वो एबिलिटी होती है कि आप कितना भी गिरें, कितनी बार आप लूज हों, कितनी बार आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन आप फिर उसको उठ के खड़ा हो जाते हैं और फिर आप चलते रहते हैं, तब तक चलते रहते हैं जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं, तो दोस्तों बिलीव कीजिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लूज फेलियर ये पार्ट ऑफ द सक्सेस है। जब कुछ भी आप लाइफ में चाहते हैं तो आप गिरेंगे, आप फिर से आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, फिर से आपको फाइट बैक करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। दोस्तों, 99% लोग जो टैलेंटेड होते हैं वो सोचते हैं कि मैं एक ही बार में वो चीज़ों को पार कर जाऊंगा, एक ही बार मैं करूंगा और वो मैं कभी गिरूंगा नहीं, कभी मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को सेटबैक कभी नहीं लगेगा, और वो सेटबैक से उनको फाइट बैक करना नहीं आता, जिससे वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। टैलेंट होना ऑफ कोर्स जरूरी है, बट आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिसके पास टैलेंट है वही सक्सेस होता है और वही बिलियनियर बनता है। दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं जो लोग ज़्यादा टैलेंटेड ना होने के बावजूद भी वो सक्सेस हैं और वो बिलियनियर्स हैं। उन्होंने अपने लाइफ में वो सब कुछ पाया है जो उनको चाहिए, तो आखिर क्या करते हैं वो लोग, क्या खास होता है उनमें जब वो टैलेंटेड नहीं है, सबसे अच्छा नहीं है, फिर भी वो कैसे सक्सेस हो गए? दोस्तों, उनको फाइट बैक करना आता है। वो जब गिरते हैं फिर से उठकर खड़ा होना उनको आता है। उनको पता है कि जो मुझे चाहिए वो मेरे को मिलना ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 100 बार भी गिरूंगा, 1000 बार भी गिरूंगा, मैं फिर से उठ के खड़ा होऊंगा। और वो इंसान फिर से खड़ा होता है, फिर से फाइट बैक करता है और फिर सक्सेस हो जाता है। दोस्तों, आप भी अब अपना लाइफ में कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेटबैक लगेगा, आप लूज होंगे, आप फेलियर का सामना करना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आपको फाइट बैक करना आ गया, आपको ये पता है कि ठीक है, इससे मेरे को सेटबैक लगा है, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से मैं फाइट बैक करूंगा और तब तक मैं फाइट बैक करूंगा जब तक वो मेरे को अचीव ना हो जाए जो मुझे चाहिए, तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हारता इंसान खुद से है दोस्तों, दूसरा कोई नहीं हराता उसको। और शिव खेड़ा एक बुक में बताते हैं, यू कैन विन, आपने बुक पढ़ी होगी या सुना भी होगा आपने, वो बताते हैं कि हारने वाले और जीतने वाले में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हारने वाले जो होते हैं वो थोड़ी देर पहले ही हार मान जाते हैं,
दोस्तों किसी भी आप मैराथन के देख लीजिए, किसी भी दौड़ की रेस देख लीजिए, जहाँ पे जो फर्स्ट विनर है और लूजर में डिफरेंस सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ सेकंड में एक बंदा लूज हो जाता है और दूसरा जीत जाता है। सिर्फ इतना होता है कि वो लास्ट वाला एफर्ट्स थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है। दोस्तों 99% हमारे लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम लोग जब फेलियर आता है, जब हमें सेटबैक लगता है, तो 90% लोग वहीं पे टूट जाते हैं, वो दोबारा ट्राई नहीं करते, दोबारा वो फाइट बैक नहीं करते। और जो लोग तब तक ट्राई करते हैं, तब तक फाइट बैक करते हैं जब तक उनको सक्सेस ना मिल जाए, वही लोग रियल सक्सेस पाते हैं और वही लोग दुनिया को जीतते हैं, वही लोग बिलीनियर बनते हैं और वही लोग सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, जो जीरो से शुरू करके और बिलियन डॉलर अपने अपने एसेट्स में डाले हैं और आज उनके पूरी दुनिया की इकोनॉमी चला रहे हैं। दोस्तों जो लेखक हैं वो मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह बताती हैं, टैलेंट इंटू एफर्ट्स इक्वल टू स्किल्स। आपका टैलेंट है, उसमें आप एफर्ट्स डालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने टैलेंट को एफर्ट्स से, तब जाके स्किल्स बनता है। स्किल्स इंटू एफर्ट्स इक्वल टू अचीवमेंट। जब आपका स्किल्स को आप एफर्ट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके आपकी अचीवमेंट आती है। सो टैलेंट इंटू एफर्ट्स इक्वल टू अचीवमेंट। जो भी आपकी टैलेंट्स हैं उसमें आप डबल इफेक्ट्स डालते हैं। जो भी आपके टैलेंट है, जब उसमें आप डबल एफर्ट्स डालते हैं, तब जाके वो अचीवमेंट में बदलता है। सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है दोस्तों, टैलेंट सिर्फ आपके सक्सेस का 30% या 40% रोल प्ले करता है, बाकी आपको 60% या 70% रोल आपके एफर्ट्स करते हैं। आप डबल एफर्ट्स आपको डालना पड़ता है अपने टैलेंट के साथ, तब जाके आप सक्सेस पाते हैं, तब जाके वो चीज़ आप अचीव कर पाते हैं जो आपको करना है। दोस्तों चार प्रिंसिपल बताया गया है इस बुक में, जो लेखक बताती हैं वो चारों प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर वन, आइडेंटिफाई एंड चेंज योर पैशन। दोस्तों अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो और उसमें कोई भी ताकत आपको रोक ना पाए, तो आपको अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको आखिर चाहिए क्या लाइफ में, किस चीज़ के लिए आप बने हैं, आपका पैशन क्या है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप से पूछें किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब आपको पैशन पता है तो उस पर आप एफर्ट्स डालते हैं, उसको आप चेज करते हैं, तब जाके आपको आप वो चीज़ पा पाते हैं जो आपको चाहिए। आप वैसे लोगों के देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर के देख लीजिए, बचपन से ही वो अपने पैशंस को समझ गए थे कि उनको क्रिकेट पसंद है। उन्होंने अपने स्किल्स, अपने एफर्ट्स, अपने टैलेंट्स में डाले और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, आज क्रिकेट के लेजेंड हैं वो। लता मंगेशकर को देख लीजिए, बचपन में ही उनको पता चल गया था कि उनका पैशन सिंगिंग है, उन्होंने अपनी आवाज़ इम्प्रूव की, उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले और आज वो सिंगिंग की लेजेंड है। तो आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा आइकन बनना चाहते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पैशन क्या है और तब उसको चेज कीजिए। जब आपको पैशन पता रहता है कि मुझे ये करना है, ये मेरा इंटरेस्ट है, और उसको चेज करना आपके लिए इजी होता है, और तब आप एक ऐसा इंस्पिरेशन बन पाते हैं, एक ऐसा सक्सेस बन पाते हैं, एक ऐसा आइकन बन पाते हैं जो दूसरों को आप इंस्पिरेशन देते हैं। नंबर टू, पुश द लिमिट ऑफ योर एबिलिटीज। दोस्तों आपकी एबिलिटीज कितनी भी हो, उसको आपको पुश करना पड़े। आपको अगर एक घंटे आपको आप पढ़ाई करते हैं, एक घंटे आप स्टडी करते हैं, तो उसको आपको पुश करके दो घंटे लाना पड़ेगा। दो घंटे करते हैं तो उसको पुश करके आपको तीन घंटे लाना पड़ेगा। तीन घंटे आप करते हैं तो पुश करके उसको फोर घंटे लाइए। जो भी आपकी लिमिट्स हैं उसको आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेटर हैं, अगर आप तीन घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको पुश करके चार घंटे कीजिए। अगर आप सिंगर हैं, अगर आप प्रैक्टिस दो घंटे करते हैं तो उसको पुश करके तीन घंटे कीजिए। जितनी आपकी एबिलिटी है उसको पुश कीजिए। किसी भी फील्ड में हैं आप बिजनेसमैन हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप सिंगर हैं, आप कुछ भी हैं, आपकी जो भी एबिलिटी है उसको आप पुश करके आगे लेके जाइए। उसको जब आप पुश करेंगे, आप मेहनत करेंगे और आप फाइट बैक करेंगे, तो दोस्तों जो भी आपकी लिमिट है उसको आप एक्सटेंड कर पाएंगे, और उसको आप एक्सटेंड करेंगे जो भी आप कल थे उससे आप बेहतर हो पाएंगे और उस डायरेक्शन में आप जा पाएंगे जहाँ पे आपको जाना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका पैशन है, जो आपका ड्रीम है,
वो आप अचीव कर पाएंगे। तो आपको अपने लिमिट्स, जब आपका दिल करे कि बस इतना ही मुझे आज पढ़ना है, आज मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, 3 घंटे मैंने पढ़ लिया, तो आपको इस बात को याद रखना है दोस्तों कि जो सक्सेस लोग होते हैं वो हमेशा अपनी एबिलिटीज़ को पुश करते हैं। जब भी आपका लिमिट आ जाएगा नहीं बस इतना ही मैं कर सकता हूँ, उसको और पुश कीजिए, और आधा घंटा आप उसको पुश कीजिए, कल उसको और पुश कीजिए, आपको तब तक पुश करते रहना है जब तक आपको वो अचीव ना हो जाए जो आपको चाहिए। नंबर 3, कीप द पर्पस इन योर माइंड। दोस्तों कुछ भी आप लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य का एक रीज़न होता है। अगर आप बिलीनियर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि आप बिलीनियर क्यों बनना चाहते हैं। जब आप बिलीनियर बनेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदेंगे, आप बहुत बड़ा घर खरीदेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदेंगे, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाएंगे, डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। दोस्तों जब आप बिलीनियर बनने का सपना ऐसे देखते हैं तो आप अपने दिमाग में हमेशा उन चीज़ों को देखिए जो बिलीनियर बनने के बाद आपको फील होने वाली हैं, तो उन चीज़ों को फील कीजिए, वो हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि मैं बिलीनियर बनूंगा तो मेरे को एक प्राइवेट जेट खरीदना है, मेरे को बड़ा घर खरीदना है, मेरे को बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी है, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी कारें खरीदनी है, मेरे पास 100 कारें होंगी, 500 कारें होंगी, जो भी आप चाहते हैं कि वो अचीव करने के बाद मेरे को लेना है, वो हमेशा आपको माइंड में रखना है। दोस्तों जब तक आपको वो पर्पस अपने दिमाग में नहीं रहेगा कि आखिर आप बिलीनियर क्यों बनना चाहते हैं, दोस्तों बिलीव कीजिए कि हम रास्ता भटक जाएंगे। 90% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि आज उनको जो चाहिए कल वो भूल जाते हैं कि मेरे को कल क्या चाहिए, कल वो अपना पर्पस ही भूल जाते हैं। और इसीलिए यही कारण है दोस्तों कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि स्टार्ट तो उन्होंने सही किया था लेकिन बीच में जाके पता नहीं क्या हो गया, वो कहीं और चले गए। उनको बिलीनियर बनना था, आज देखिए किसी कंपनी में 20-50 हज़ार का जॉब कर रहे हैं और फिर वो अपना टाइम पास किए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पे चेक टू पे चेक वो जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, सिर्फ अपने पूरी लाइफ वो किसी के हवाले कर चुके हैं सिर्फ एक सैलरी के वजह में। तो आपको हमेशा वो पर्पस अपने माइंड में रखना है कि आखिर आप बिलीनियर बनेंगे तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा और उससे आप क्या कर पाएंगे। जो आपका पर्पस है बिलीनियर बनने का वो हमेशा आप अपने माइंड में रखिए। दोस्तों जब आप माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी ट्रैक से इधर उधर नहीं जाएंगे, उसके लिए कितना भी आपकी मुश्किलें आए दोस्तों आप उसको पार कर पाएंगे, आप जो चाहते हैं वो आप पा पाएंगे। दोस्तों कोई भी काम इस दुनिया में आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं ये काम आसानी से कर लूँगा या ये काम तो मैं एक ही रात में कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सक्सेस एक रात की काम नहीं है दोस्तों, कभी भी सक्सेस एक रात में नहीं आती, कभी भी टेम्परेरी इमिडिएटली कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अचीवमेंट चाहिए, तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो पर्पस आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि मेरे को वो टारगेट क्यों चाहिए और उसके पीछे क्या रीज़न है। जब वो आप करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा उसके लिए आप एफर्ट्स डालेंगे और उसके लिए आपके रास्ते में जो भी आपकी मुश्किलें आएंगे उससे आप फाइट बैक कर पाएंगे, आप उसको लड़ाई कर पाएंगे, उसको हरा पाएंगे और फिर जो भी चाहिए आपको लाइफ में वो आप पा पाएंगे। दोस्तों मोटिव जो होता है कि इस चीज़ का मोटिव क्या है, मेरे को बिलीनियर क्यों बनना है, मेरे को सक्सेस क्यों बनना है, वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आपको घर, गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल जो भी आपको चाहिए हमेशा आपको याद रखना है कि मैं बिलीनियर बनूंगा तो ये करूंगा। आपको सोसाइटी चेंज करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें देनी है, तो आपको हमेशा वो जब रखते हैं उसको टारगेट रखते हैं उसको सोचते रहते हैं तो वही चीज़ आपको डाइवर्ट करती है, वही चीज़ आपको ड्राइव करती है और फिर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो आपको चाहिए। नंबर 4, एम्बेरस ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों ग्रोथ का माइंडसेट आपको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, हमेशा आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मेरे को बढ़ना है, मेरे को ग्रो करना है, क्योंकि माइंडसेट से ही सारा कुछ शुरू होता है, सारा खेल आपके माइंडसेट से ही शुरू होता है। जब आपका माइंड चेंज रहता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ग्रो करना है, मेरे को ग्रोथ हमेशा करते रहना है, एक एक स्टेप मेरे को आगे बढ़ते रहना है, तो दोस्तों आप एक एक स्टेप करके आप वहाँ पे जरूर पहुँच जाते हैं, जाना चाहते हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। तो आपको हमेशा माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो माइंडसेट रखना पड़ेगा
जो ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाती है। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। और ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि माइंडसेट से ही आपकी सक्सेस की काउंटडाउन शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। जब भी आप माइंडसेट आपका चेंज होता है, आपके आजू बाजू के सर्कमटेंसेस चेंज होने लगते हैं और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। तो आपको हमेशा सक्सेस का, हमेशा अपने लक्ष्य का माइंडसेट रखना है, हमेशा जीतने का माइंडसेट रखना है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रातों रात अमीर बन गया हो और वो हमेशा अमीर रहा हो। मैं किसी लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी लॉटरी वालों को आपने नहीं सुना होगा कि एक रात में वो लोग मिलियन डॉलर कमा लिए और फिर वो हमेशा उसको बिलियन डॉलर में बना दिए और दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। कभी आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, रातों रात ऐसा कुछ लॉटरी वॉटरी करके अगर आ भी जाती है पैसा, नेक्स्ट डे वैसे ही उसी स्पीड से चली जाती है। लेकिन अगर आपको, आप मेहनत करते हैं, आप अनयूजुअली एबिलिटी आप करते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, तभी दोस्तों आपकी अचीवमेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। आप बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोगों को आप उठा के देख सकते हैं। आप मुकेश अंबानी को देख लें, टाटा को देख लें, आप सुनीता विलियम्स को देख लें। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो अपने मेहनत के दम पे, अपने एफर्ट्स के दम पे, अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के दम पे, अपनी कैपेबिलिटी के दम पे वो लोग दुनिया की अपार दौलत पाए हैं, सक्सेस पाए हैं और बिलियनियर्स बने हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और दिए गए 4 स्टेप्स आप अपने लाइफ में उतारेंगे और लाइफ में उतार के आप भी एक दिन मिलेनियर्स बन जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।